ए हाड़ी सुन, ओए 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 ओए। अरे यार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। सुन दे मेरे को चुपचाप। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। अब ये चैनल मेरा है। सो वेलकम बैक गाइस मेरे थर्ड चैनल में। इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में चार चार वीडियो तो डाल ही सकूं, फुल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। चल हो गया नाटक खत्म, उठ जा अब और ₹50 पेटीएम कर देना याद से। ये ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं हो गया? ए सुन, कोई आ तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं कोई नहीं आएगा, तू टेंशन मत ले। वो प्रिंसिपल सर का नंबर यही था ना? अरे वाह 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 वाह, क्या लिखा है। अरे हाँ हाँ, ये वाला पेज तो बहुत ज्यादा ही लंबा खींच लिया यार। ए हार्दिक, कोई आ रहा है? आंदे तू टेंशन मत ले बस। अरे अरे रुक, मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है? अरे मैं बता दूंगा सबको कि हर रोज स्कूल वॉशरूम से साबुन चुरा चुरा के तू भगता है। ओए ओ बचाओ। डोंट वरी, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो आ गए फिर से। तो मैं स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो कि चुपचाप बैठा रहता था। तुम उसको मारो, कूटो, कुछ तो बोल, तो के नाली में फेंक दो, या फिर तुम उसके मुंह को कचरा गाड़ी बना दो। गीला कचरा, जैसे किचन से बची हुई खाद्य सामग्री, फल सब्जी के छिलके, घास व पेड़ की पत्तियाँ, मीट। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तब तो होमवर्क क्यों नहीं करा? सर मेरा मन नहीं हुआ। सर मार क्यों रहे हो? क्योंकि मेरा मन हो रहा है। बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो शुरू हो जाओ मेरे रट्टू तोता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मुझे ही अपने देश को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ये बच्चों को ऐसे रटते हुए नहीं देख सकता। आई हैव टू चेंज इट। ये क्या लगा लगा है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि मेरा YouTube चैनल विथ ओवर 24 सब्सक्राइबर्स। आई एम सक्सेसफुल विथ ओवर 24 सब्सक्राइबर। मैं बदलूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ 24 सब्सक्राइबर्स। इतना भी कुछ गलत नहीं बोला था मैंने। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा। हेलो, हाँ, ये जानवर को ले जाओ यहाँ से पकड़ के। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा मैं विद 24 सब्सक्राइबर्स। तो तुम्हारा स्कूल फीस बहुत लूट लूट के लेता है नो, लेकिन इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हमारे स्कूल का वॉशरूम साफ होता है साल में एक बार शायद, और वो भी मुझे लगता था कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था। तो पूरे स्कूल में बॉयज वॉशरूम होती है सबसे सेफ जगह मारा कुट्टी करने के लिए। अरे मुंह तोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा शर्ट फाड़ दूंगा, वापस से सिलने आ जाना फिर। वैसे अगर ऐसी हरकतें रही तो कॉलेज तो अच्छा मिलेगा नहीं तुम्हें, और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो भूल जाओ कि तुम्हारी जॉब वगैरह लगेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप एक फ्री टेस्ट देके घर बैठे बैठे जॉब ले सकते हो? बता दो, स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200+ कंपनीज हायर करती है री लेवल। हम लोग जा रहे हैं जॉब वगैरह छोड़ के, पगार वगैरह तो बढ़ाता नहीं है, ये ले इस्तीफा। अरे रुको, आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हो। बस इनकी वेबसाइट पर जाओ, फ्री टेस्ट दो और जॉब लो, सिंपल। अब तो मेरे को भी ये टेस्ट देने ही पड़ेगा, कब तक ये वॉशरूम साफ करता रहूंगा। और तो और मैंने सुना यहाँ पे गुड्डीज भी मिलती है। गुड़िया नहीं मिलती है यहाँ पे, गुड्डीज मतलब गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पर। हाँ, हर महीने टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसी चीजें मिलती है। अरे मेरे को तो मिल जाएगा आईफोन। ओहो, सबसे पहले इसको कूटो यार तुम। तो कुछ दिन पहले ही री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बहुत कुछ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोगों को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही तुम लोगों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, तुम लोगों को बस स्किल्स चाहिए। सो गो एंड चेक इट आउट री लेवल टुडे। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो, एक बात बता दूं,
हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहां पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं तुम्हारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। नीचे उतर साले। वैसे बचपन में तो सभी लोग जिद करते हैं, लेकिन मैं, मेरा तो तुम लोगों को पता ही है, मैं काफी शांत। पापा जी ला दो ना यार, मेरे को लाइट वाला कॉम्बॉक्स चाहिए, मैं आधी रात में उठ के पढ़ूंगा, मैं IIT में जाऊंगा। अपने घर में इतनी सारी लाइटें हैं तो सही। अरे पापा, मैं दिन रात पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे अरे मेहमान वाले यार, अभी मेहमान आए। ये देख, ये देख, ये देख, मैम प्लीज मत लो ना मैम, मैं भी रात में पढ़ नहीं पाऊंगा, मैम मैं पढ़ नहीं दूंगा, मैम प्लीज। अरे तू चिंता मत कर, ये मैम तो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, वहाँ पे आके ले लेना इनसे। अच्छा। और फिर एज एक्सपेक्टेड मैंने अपना सुपर फास्ट हाई लेवल इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और मैं सीधे मैम के घर पे पहुँच गया। इससे ढीठ बच्चा तुमने कहीं नहीं देखा होगा। मैम, ओ मैन, मैन। ये बच्चा चिल्ला क्यों रहा है? बच्चा क्यों चिल्ला रहा है यार? मैं वहाँ पे जाके इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई थी। मैम आप प्लीज मेरा कंपाक दे दो ना मैम, मैम मेरे पापा मेरे को मारेंगे प्लीज, अब मैं आधी रात को बिना लाइट के कैसे पढ़ूंगा। मैम मैम मैम, क्यों ले आती है तू ये बच्चों के सामान? अरे वो खेल रहा था। हाँ तो बच्चा है, खेलेगा ही सही ना, दे दे चल उसको उसका कंपॉक। और आपको पता है अंकल जी, ये मैम ने मेरे दोस्त को इतनी जोर से मारा था ना, वो वहीं पे खड़ा खड़ा मुद दिया था, अब इसी डर से वो हर रोज मम्मी पोको पैंट्स पहन के आता है स्कूल में। बेचारा लीकेज से बचा है और जीनी नीला मम्मी पोको पैंट्स। वैसे कुछ भी कहो, स्कूल वाले होते बहुत लुटेरे, मतलब इतनी फीस ले लेंगे उसके बाद भी तुमको पढ़ना तो YouTube से ही पड़ेगा, और इतनी फीस होने के बावजूद कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं थे यार, आके बैठ जाते थे बस। आ, 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 आ। वैसे आजकल इतने कम बच्चे क्यों आ रहे यार क्लास में? अरे सर पंखे पे चढ़े क्या आप? कौन बोला है? बेटा तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो, मैं एक मोर हूँ। झूम बराबर झूम जरा भी झूम बराबर झूम। बेटा तुम स्कूल आधे गाई के लिए हो? सिंपल, मोर बनने के लिए, या फिर हम सबको मोर बनाते हैं। नाचो सब। एक बार मेरे को एक बच्चे के पेरेंट्स आके बोले कि स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, मेरा दिमाग खराब हो गया यार बिल्कुल। अब तुम लोग ही बताओ यार, स्कूल में टाइम पास होता है क्या? हैं? ओके, तो दी एंड हो चुका है, और अब तो हमारे चैनल की मेंबरशिप्स भी चालू है, तो तुम उनको ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत बढ़िया काम हुआ है तो। और इस बेचारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बेचारा वो मेहनत नहीं करता है, सब मेहनत नहीं करती हूँ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। भीख मांग रहा कर दो बेचारे को फॉलो। पिछले 3-4 वीडियो से मेरे को भैया ने वीडियो में नहीं लिया, अभी कमेंट सेक्शन भर दो सब, बाकी को वीडियो में लाओ, सब कमेंट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So let's get to the dark side of our school. Very sad to say कि हमारे स्कूल में एक आतंकवादी संगठन भी था, उनका हेड था टॉन।